सॉफ्ट एंड क्रीमी आइसक्रीम खाना है बट घर पे इलेक्ट्रिकल बेटर नहीं है, तो नो इशू, आज आप लोग का प्रॉब्लम दूर होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बिना इलेक्ट्रिकल बेटर का भी सॉफ्ट एंड क्रीमी आइसक्रीम घर पे बना सकते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ग्राइंडर जार ले लेंगे और ये तो हर किसी के पास होता है। इसको मैंने डिप फ्रीज में रख दिया था 5 to 6 hours के लिए। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 cup अमूल क्रीम और ये क्रीम को भी मैंने डिप फ्रीज में रखा था 5 to 6 hours के लिए। सो जार में बनाने के लिए जार को, क्रीम को और मैंगोज को, तीनों को ही डिप फ्रीज करना है 5 to 6 hours के लिए। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब इसमें 2 mangoes को कट करके ऐड कर देंगे और मैंगोज को भी मैंने डिप फ्रीज में रख दिया था 5 to 6 hours के लिए। अब शुगर ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से या फिर मैंगोज के स्वीटनेस के ऊपर, डिपेंड करता है कितना ऐड करना है। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे 4 to 5 minutes के लिए एंड देखिए इसका थिकनेस कितना क्रीमी एंड थिक है। अब एक बाउल ले लेंगे जिसमें आइसक्रीम को सेट करना है और उसके बाद इसको ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। मैंगो आइसक्रीम का रेसिपी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा बट ये रेसिपी बहुत ही इजी है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करें। कवर कर लेंगे और फिर डिप फ्रीज में रख देंगे 24 hours के लिए। इसको अच्छे से सेट होने देंगे। आफ्टर 24 hours ये अच्छे से सेट हो गया है। अभी इसको खोलेंगे नहीं, रूम टेम्परेचर में आने देंगे, उसके बाद खोलेंगे। एंड देखिए ये कितना अच्छे से सेट हुआ है। तो चलिए निकालते हैं आइसक्रीम को। अगर आपके पास स्कूप हो तो आप उससे करिएगा, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं स्पून से कर रही हूँ। एंड इसको बाउल में सर्व कर लेंगे। गार्निश करेंगे थोड़ा सा पिस्ता के साथ और ऐड कर देंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ मैंगोज, इससे अच्छा बाइट मिलेगा। एंड इट इज़ रेडी टू सर्व। ओनली 3 ingredients यूज़ करके घर पे ही इजीली बना सकते हैं सॉफ्ट एंड क्रीमी आइसक्रीम। तो आप लोग भी ज़रूर से बनाइए फ्रेश मैंगोज़ यूज़ करके एंड इन्जॉय करिए। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।